नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजौड़े और आप देख रहे हैं एम टेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं एजुकेशनल वीडियो इससे पहले अपलोड नहीं किया हूँ। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करना सीखेंगे। जिरोधा ने बहुत सारे टूल्स दिया है, उस टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छा एनालिसिस सिखा सकूं। कैसे आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेंगल बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने ये है एमी ब्रोकर, जैसे मैं आप लोगों के लिए एवरीडे एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप देखते होंगे हम बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे मैंने यहाँ पर फ्लैग पैटर्न वगैरह बना के रखा हुआ है। मैं आप लोगों को इंडेक्स वाले वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, सब मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रा करके रखा हुआ है, किस तरीके से हम यहाँ पे जीरोधा में चार्ट ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम इस पे मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, मेरे स्क्रीन में आप लोगों को कुछ यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है, ये सारे मूविंग एवरेज है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर इसे लगा के बता दूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर को क्लिक कीजिए और आप ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने में स्क्रीन बिल्कुल क्लीन हो गया है, ठीक है, हमारी स्क्रीन में भी कुछ नहीं लगा है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस ऊपर में आप लोगों के एक पेन टाइप का दिखा रहा है। यहाँ पे जब कर्सर को लेके जाएंगे तो ये असल में ड्रॉ बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इधर आपके लेफ्ट साइड में एक सेलेक्ट टूल्स यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे सेलेक्ट टूल्स को, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करने के लिए है, लाइन ड्रा करने के लिए है, ठीक है, फिबोनाची ड्रा करने के लिए है। फिबोनाची के बारे में आप लोग समझते होंगे, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे एक सेगमेंट दिख रहा है दोस्तों, इसको हम छोटा छोटा लाइन ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसको भी हम रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं सबको आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि देखो, यहाँ पे ये डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है। अभी जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल चार्ट है, ठीक है। आप कई लोग इसको हेकेनेसी चार्ट के थ्रू भी इस्तेमाल करते हैं, ये हेकेनेसी चार्ट है। हेकेनेसी चार्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल ट्रेंड देखने के लिए करते हैं कि वो किस ट्रेंड पे चल रहा है। जैसे मान लो आज के दिन पे कोई रेड कैंडल बन गया है, अगर हमें देखना है कि वो ट्रेंड कैसा है तो क्या करते हैं, हेकेनेसी चार्ट लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई अभी वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एसटीडी, ठीक है, तब एसटीडी देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए जो भी लाना है। जैसे मुझे लाना है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लाना है, हम वॉल्यूम चार्ट को बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हम वॉल्यूम चार्ट लाना है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, लोअर लेवल में आपका वॉल्यूम चार्ट आ गया, ठीक है। ज़्यादा वॉल्यूम है आपको दिखाएगा ग्रीन या रेड का, दोनों में सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है, ओके। अब यहाँ पे आप ले आओ, जैसे फिर से आपको लाना है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले लगाया था मूविंग एवरेज लगाया था, तो मूविंग एवरेज ले आओ आप। मूविंग एवरेज अभी दो तरीके से लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बाई डिफ़ॉल्ट 50 का आता है, तो आप इसको अपने हिसाब से लगा दो, 21 लगाना है 21 लगा दो, 20 लगाना है 20 लगा दो, मैं 20 को फॉलो करता हूँ। इसमें दो मूविंग एवरेज होता है और क्लोज बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, हम बाई डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें कलर लगा दीजिए, मैं 20 को हमेशा रेड रखता हूँ, तो आप यहाँ पे 20 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 20 हो गया, अब आपको और मूविंग एवरेज लगाना है, दूसरा भी लगाना है, तो फिर से क्लिक कीजिए इसी को, ठीक है। अब आप यहाँ पे 50 आ गया है बाई डिफ़ॉल्ट, उसको रख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है, ऑफसेट हमेशा जीरो रहेगा, ओके। यहाँ कलर चेंज कर लीजिए, तो जैसे मैं 50 को हमेशा पिंक में रखता हूँ, ठीक है, तो मैं पिंक रख दिया, ठीक है। अब आप फिर से यहाँ पे ले आओ, और भी आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे मैं आपको 100 भी लगाता हूँ, तो आप 100 भी लगा लीजिए अगर आप चाहें तो, ठीक है, अपना अपना सेटिंग है, ओके। 100 को मैं हमेशा ब्लू रखता हूँ, डार्क ब्लू रखता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ डार्क ब्लू रख सकते हैं, अपने हिसाब से कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है भाई। आप यहाँ पर और भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर मूविंग एवरेज में चले गए,
फिर यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 200 लगाते हैं। मैं 200 को भी ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए। 200 EMA सबसे अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं 200 का कलर हमेशा ग्रीन रखता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन रख दिया। ये हो गया मूविंग एवरेज हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने हिसाब से और भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं दोस्तों। कई लोग 5 रखते हैं, 13 रखते हैं, 9 रखते हैं, 21 रखते हैं, 45, 48, 13, अपने अपने हिसाब से रखते हैं। मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज और रखता हूँ, 200 EMA का सिंपल भी रखता हूँ साथ में, ठीक है। और सिंपल को मैं थोड़ा सा ये आसमानी कलर का रखता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने लिए कलर चॉइस कर लेते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, तो उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता चल जाता है एक नॉर्मल तरीके से। इसका बहुत बड़ा सेटअप होता है, देखिए इसका पूरी तरीके से सेटअप होता है, किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में सीखना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, अलग अलग बैच चलते हैं, 30 डेज का एक बैच होता है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर मैं अलग अलग सिटियों में भी जाकर प्रोग्राम करते रहता हूँ, तो उसमें भी आप प्रोग्राम में हमारे हिस्सा ले सकते हैं। इन सब का डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको नंबर हमारे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में चार्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे ड्रा करना है ट्रेंड लाइन, तो क्या करो, पहले इस टूल्स को आप पहले क्लिक करो, ओके। इस टूल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स आ जाएगा, और आप लोअर साइड में देखेंगे जैसे मुझे इसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, छोटे का मतलब छोटे लाइन ड्रा करना है मुझे, तो यहाँ पे ठीक इसके हाई के ऊपर आप इसको चार्ट लगाइए, सॉरी ये रेक्टेंगल आ गया ना, इसको ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप क्या करो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लाओ सेगमेंट, छोटा चार्ट ड्रा करना है तो आपको क्या लाना है, सेगमेंट लाना है, ओके। आप तो क्या करो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक हाई के ऊपर क्लिक करते हैं और दूसरे हाई के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए, देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए मुझे दो हाई की जरूरत पड़ता है, एक हायर हाई, एक लोअर हाई, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको मिलाइए, तो अगला जो इसका रेजिस्टेंस होगा इसी लाइन के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग इसी लाइन के ऊपर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका दिख गया। तो जैसे आप इस लाइन को टच करते जाएंगे, तो जैसे इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, इतना सिंपल है। दूसरा, जैसे अभी हमने यहाँ इसी लाइन को सेलेक्ट करके रखा है, इसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं, इसको आप मोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, आपको ग्रीन लाइन चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पे लोअर लेवल का एक ग्रीन लाइन ड्रा करता हूँ, इस तरीके से आप लोअर लेवल का ग्रीन लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया है अपसाइड के लिए। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंटर करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ मैं हॉरिजेंटल लाइन बताता हूँ आपको। हॉरिजेंटल लाइन जैसे कि आपको लंबा चार्ट हॉरिजेंटल लाइन के लिए, ठीक है, लंबा चार्ट के लिए हम ड्रा करते हैं उसको। और जैसे मैं आप लोगों को टाइटन के चार्ट में दिखाता हूँ तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। जैसे इस लो को मिला दिया मैं, इस लो को मिलाऊंगा इस लो को, ठीक है, तो अगला इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा। ये देखो, मतलब लोअर लेवल में जब कभी भी आएगा स्टॉक तो इस लेवल में ये सपोर्ट लेके वापस जाएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट लाइन हो गया। उसी तरीके से आप इस लाइन के ऊपर अगर रख दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपसाइड के लिए हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे मान लो कि हम अपसाइड के लिए क्या रेट रखते हैं, तो पहले रेट को सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कर दो, एक क्लिक लेफ्ट में हो रहा है सब, ठीक है। तो आप लेफ्ट क्लिक करो तो आपके पास ड्रा हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर कर्सर रखेंगे तो ये आपका डिलीट भी हो जाएगा, इसके ऊपर रखिए डिलीट हो गया, बड़ी सिंपल है, ओके। ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। मैं आप लोगों को और एक दूसरा लाइन दिखाता हूँ, जैसे ए लाइन चार्ट है, ये लंबे चार्ट है, लंबा चार्ट है, ठीक है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम स्कॉट में रख लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे लाना है यहाँ से लेके, मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हायर लाइन के ऊपर, चलो इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, काफी मोटा हो गया है, ठीक है। तो इस हायर लाइन के ऊपर मैं अपने लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन आ गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा कोई भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, हायर हाई के ऊपर इसको टच करके छोड़ देना है। तो जब कभी भी इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा आपको अच्छा ट्रेड देके जाएगा। तो ये क्या हो गया, असल में ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है, तो ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हो गया अपसाइड के लिए, ओके। इसी तरीके से आप डाउन साइड के लिए जैसे यहाँ से ड्रा किए और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब कभी भी स्टॉक आएगा तो इस लाइन के पास आएगा, सपोर्ट मिलेगा,
ठीक है, और लोअर लेवल से अपर साइड गया तो क्या हो गया है, ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर से अगर आपको इसको डिलीट करना है, इसके ऊपर कर्सर रखिए, आपको तो यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई देगा, इसका मतलब कि वो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं कर्सर ले जाके। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि मुझे इसमें रिक्टेंगल ड्रा करना है, तो जैसे मैंने पेज इंडस्ट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब मुझे इसमें रिक्टेंगल ड्रा करना है, ठीक है, छोटा आयताकार आपको ड्रा करना है, तो इस रिक्टेंगल को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, अब रिक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपको रिक्टेंगल लेना है उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कीजिए और धीरे धीरे करके कर्सर को आगे बढ़ाइए, जहाँ तक लेना है वहाँ तक आप उसको ड्रॉ कीजिए, मतलब ले जाके लोअर साइड में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से, फिर से बताता हूँ आपको, देखो अब यहाँ से आप यहाँ पे सिंगल क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक किए, फिर आपको जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाके आप फिर से लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो आपका ये रिक्टेंगल तैयार हो जाएगा, ये रिक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, अब देखो तो जैसे कि मान लो अभी जहाँ भी कर्सर छोड़ेंगे आपका डायरेक्ट ये ड्रा हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब मान लो कि पूरे हमारे लिए चार्ट खत्म हो गया, अब हमको चार्ट नहीं करना है, चार्टिंग नहीं करना है, तो इसको आप ड्रॉ बॉक्स को फिर से क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि जहां भी कर्सर रखेंगे वहां पे वो ड्रा होता रहेगा, ठीक है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे मार्क भी करके रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, चाहे इस पे रख लो या टाइटन पे रख लो, चलो मैं टाइटन पे बताता हूँ, जैसे ये हो गया हमने कि भाई एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने में ध्यान रखना, एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जहां से आपको लेना है उसके ऊपर पहला लेफ्ट क्लिक कीजिए, ठीक है, पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए और धीरे धीरे करके आप उस अपने कर्सर को माउस को आगे खिसकाइए, ठीक है। माउस में अच्छा बनता है, लैपटॉप में ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है, लैपटॉप के जो पैड में की पैड में रहता है उस पर अच्छा नहीं बनता है, इसके लिए माउस बहुत ज़रूरी है ड्रा करने के लिए, ठीक है। अब इसको जहाँ तक लेके जाना है वहाँ तक आप खिसकाइए और फिर लोअर लेवल में जाके आप राइट क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे वो बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आप इसको सेव भी रख सकते हो, अगर डिलीट नहीं करोगे तो सेव रहेगा आपके सिस्टम में, नेक्स्ट डे भी देखेंगे आपको तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से। अब इसको आप मार्क कर सकते हैं, जैसे आपको एरो लगाना है इसके ऊपर कि भाई मुझे इसको बाइंग करके जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपसाइड के लिए एरो लगा दोगे ऐसे। अब इसको क्या करोगे, ये इसको यहाँ पे ले जाके सेव छोड़ दीजिए, बराबर। आप इसको उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, बड़े आराम से प्यार से कीजिएगा, अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर नीचे जैसे बीच में हो जाएगा तो क्या करेगा, रेक्टेंगल ही आपका भागने लगेगा, ठीक है। तो इसको आराम से कीजिएगा, मतलब आपने मार्क करके रख लिया कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो हम इसको बाइंग करके जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपने मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर कर्सर रख दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझ पा रहे होंगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इनसे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों जैसे हम लोग बहुत जगह एनालिसिस करते हैं अपने वीडियो में, तो मैंने फ्लैग पैटर्न बताता हूँ, फ्लैग पैटर्न कैसे बनाना है। जैसे आप क्या करो भाई, चले जाओ फिर से टूल्स में, ओके, और आप ले लो सेगमेंट की चार्ट। अब मान लो कि आपको फ्लैग पैटर्न बनाना है, जैसे कि दिख रहा है बिल्कुल फ्लैग की तरह दिख रहा है, ये क्या है, फ्लैग पैटर्न है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, तो चलो इसको डिलीट करके हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही कलर हो जा रहा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किए और हम अपने लाइन को ऊपर ले गए, आप इसको थोड़ा मोटा भी कर सकते हो, चलो थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, भाई साहब आपको अपना मर्जी है, ड्रा कीजिए करते रहिए। अब यहीं पर फिर से क्लिक करना है आपको, ठीक है, और आपको इसको ऐसे लेके जाना है, जहां भी आपको लेके जाना है वहां पर ले जाके फिर से लेफ्ट क्लिक करना है, जहां से शुरू करना है वहां पे फिर से लेफ्ट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है फ्लैग पैटर्न का, कि भाई ऐसा पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। ओके, एक आता और चार्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसके ऊपर कर्सर रखिए और डिलीट मार दीजिए, बराबर है भाई। अब मान लीजिए कि हमें और कुछ दूसरा कुछ यहाँ पे सीखना है, ओके, जैसे यहाँ पे लेआउट, चलिए मैं यहाँ पे सेव करके भी बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ओके, फिर से लेके आता हूँ भाई, चलिए हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिया, ऐसे हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ओके, ये हो गया हमारा
फ्लैग पैटर्न। अब इसको मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, सेव कर लिया, देखो सक्सेसफुली शिफ्ट प्रेफरेंस, तो ये आपका चार्ट सेव रहेगा। दोबारा भी आप लॉगआउट करके खोलोगे तो ये चार्ट आपके पास बना रहेगा। ओके, देखिए बहुत सिंपल है। आप एनालिसिस ऐसा है कि आप जितने बार अपने चार्ट को छेड़छाड़ करोगे उतने बार आप सीखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें नहीं बन पाता है, जैसे राउंडिंग पैटर्न नहीं बन पाता है, ये पैटर्न नहीं बन पाता है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी कि राउंडिंग पैटर्न ही करना है अपने को। ओके, अब इसमें जैसे ही दोस्तों ट्रायंगल बनाना पड़ता है हमें, तो ट्रायंगल चार्ट हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। चलिए, अब कोई पहले ट्रायंगल वाला कोई एनालिसिस निकल जाए, मुझे याद हो तो। पहले मैं आप लोगों के लिए बनाया था, एक कोल इंडिया में बनाया था, आप लोगों ने, मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और बहुत अच्छा ट्रेड दिया था कोल इंडिया। यहाँ पे नहीं है कोल इंडिया, तो पहले कोल इंडिया लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोल इंडिया लिख दीजिए तो कोल इंडिया आपके यहाँ आ जाएगा, सेलेक्ट कीजिए और इसको स्क्रीन में ले आइए, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए पहले ट्रायंगल पैटर्न का चार्ट एक बना के दिया था, हमने ट्रेड भी लिया था उसमें, बहुत अच्छा ट्रेड बना था यहाँ पे। अब देखो ये है, पहले क्या करो, इसमें छोटा सा एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, बराबर है, फिर इसी के ऊपर जो पहले डॉट दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर इस चार्ट को ऊपर ले जाइए। ओके, और फिर इसी के ऊपर क्लिक कीजिए डॉट दिख रहा है और फिर अपने चार्ट को नीचे ले जाइए। ये हो गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में अक्सर क्या होता है, जितना बड़ा ट्रायंगल बनता है उतना बड़ा हमें ट्रेड मिलता है, अगर वो कंटिन्यू रहा तो। रिवर्स होता है तो आपको भी उसी के साथ रिवर्स होना पड़ेगा, मतलब पोजिशन स्क्वायर अप करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। आप उसको सेव करते जाइए, आपका वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ और चार्ट बता देता हूँ, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट असल में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आप लोगों के यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैंने फिबोनाची यहाँ पे चेक कर लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ और कलर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची में क्या करते हैं, जैसे किसी स्टॉक की, जैसे मान लो स्टॉक गिरा हुआ है, अभी उछल रहा है, तो कितना उछलेगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ऊपर की तरफ से क्लिक कीजिए और आप इसको लोअर एंड तक ले आइए, ठीक है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है। पहला लेवल होता है 23 का, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में जरूर देखिएगा आप। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे समझते हैं हम। सबसे पहला लेवल होता है 23 का, फिर 38 का होता है, फिर 61 का होता है, ठीक है। इसके बाद वो 100 जाता है, फिर 138, फिर 161 तक जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें फिबोनाची लगाते हैं। करते कैसे है एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दूं मैं। ओके, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप में ही आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे करके आप कर्सर को लोअर लेवल पे आके छोड़ दीजिए, बराबर, मतलब फिर से लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो उसको पता चल जाएगी भाई इसकी उछाल असल में है तो कितना है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, जैसे मान लो कोई स्टॉक बहुत ऊपर गया है, ठीक है, जैसे अभी कौन सा स्टॉक बहुत ऊपर गया है, एक आईबुल भी बहुत ऊपर गया है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। मैं आप लोगों को अदानी ग्रीन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे अदानी ग्रीन है, तो अदानी ग्रीन कहाँ से चलना शुरू किया है, अदानी ग्रीन एक्चुअल में चलना शुरू किया है यहाँ से, ठीक है। देखिए, सीखिए, ऐसा नहीं कि आप लगाइए, ओके, तो आप यहाँ पे टॉप में ले जाके छोड़ दीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। तो जैसे 38% तक नॉमिनल गिरना चाहिए, तो अच्छा स्ट्रेंथ माना जाता है। 38% अगर टॉप से 38% तक कोई स्टॉक गिर रहा है तो अच्छा माना जाता है। तो आप इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। जीरोधा ने बहुत कुछ दिया है, जीरोधा ने जितना अच्छा दिया है टूल्स, मुझे नहीं लगता कि कोई सॉफ्टवेयर और भी उसने इतना अच्छा दिया है। अपस्टॉक ने भी बहुत कोशिश किया है, उसने भी बहुत कुछ दिया है अपस्टॉक ने, तो अपस्टॉक में ही बता दूंगा, अगर आप उसमें सीखना चाहें, देखना चाहें, तो इसके ठीक के बाद मैं अपस्टॉक के बारे में भी बता दूंगा इसी वीडियो में, आप देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रा करने के लिए सीख गए, ठीक है, मुझे लगता है कि आपने सीख गया होगा, और वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो और भी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले में एक बहुत अच्छी चीज है और भी दिया हुआ है इसमें, जैसे टू चार्ट है। जैसे मान लीजिए मुझे एक स्क्रीन में दो स्टॉक को देखना है, ठीक है, ये बहुत ही शानदार चार्ट है,
मजेदार चार्ट है, मैं इसको बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अगर जो नए ट्रेडर हैं जिनके पास एक ही सिस्टम है, और कई लोग तो मोबाइल से भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए अगर प्रॉपर सेटअप हो तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे एक चार्ट, एक स्क्रीन में दो चार्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा दो, ये यहाँ पर क्लिक करो डिस्प्ले को, डिस्प्ले क्लिक करेंगे तो लोअर साइड में मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन आएगा। मल्टीपल चार्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चार्ट का ऑप्शन है और फोर चार्ट का ऑप्शन है, तो आपको टू चार्ट लगाना है। मान लो दो स्टॉक का चार्ट लगाना है, जैसे मेरे पास यहाँ स्क्रीन में क्या लगा है, डीमार्ट लगा है, तो मैं डीमार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, डीमार्ट आ गया। दूसरे चार्ट में मुझे क्या देखना है, जैसे मुझे देखना है IRCTC, IRCTC लगा दिया मैंने, ठीक है। अब जो भी आपकी स्क्रीन में वो लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये दूसरा आपका दूसरा टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, आप सेम तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम चीज यहाँ भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जब स्क्रीन छोटा होता है उनके ऊपर में नहीं दिखाई देता है, वो दब जाता है, हिडन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारे चार्ट लगा दो, सेम चार्ट फिर से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप एक साथ दो स्क्रीन में देख सकते हैं, मतलब आप एक साथ दो चार्ट देख सकते हैं एक ही स्क्रीन में, कितना सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पर लगा लो, अब जो भी आपको सपोर्ट लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, जो भी मूविंग एवरेज लगाना है, यहाँ पर से जाके आप कैंडल बदल सकते हो। एक में हेके नासी देख लो, ठीक है, आप एक में नॉर्मल चार्ट देख सकते हो, इसमें आप नॉर्मल चार्ट देख सकते हो, एक ही स्टॉक को लगा दो दो, जैसे मुझे एक ही स्टॉक को दो स्क्रीन में देखना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ आपको और मजा आएगा, ठीक है। जैसे हम डिस्प्ले में गए, अब यहाँ पे हम दो चार्ट लगा दीजिए, मुझे दोनों में डीमार्ट देखना है, दोनों में डीमार्ट देखना है, तो यहाँ पे आप दोनों में डीमार्ट देखिए, ठीक है, ये डन कर दीजिए, ये दोनों में डीमार्ट दिखेगा, ठीक है। अब आप इसमें आप चाहे एक ऐसी चार्ट लगा दो, ट्रेंड देखना चाहते हैं, जैसे मुझे ट्रेंड देखना है कि भैया ट्रेंड कौन से ट्रेंड पे चल रहा है, उसके लिए क्या करें, आप छोटा चार्ट टाइम फ्रेम लगा दें, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है डीमार्ट में, तो डीमार्ट में जैसे मान लो किसी बंदे ने इंटर किया है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड यहाँ पर देखते रहिए, ट्रेंड जब तक कंटिन्यू है आप बिल्कुल उसके साथ बने रहिए। बहुत अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, और मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे आज के वीडियो पे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को इसमें जीरोधा में और बता देता हूँ। आपको छोटे छोटे चार्ट देखना है, जैसे आपको डेली चार्ट देखना है तो आप उस पे डे में आप क्लिक कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट डे चार्ट है, ठीक है। आपको मैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका चार्ट लगा देता हूँ, तो आप इसको आप वीकली में देख सकते हैं कि भाई वीकली में किस तरीके से स्टॉक चल रहा है, ठीक है। थोड़ा आप इसमें कर्सर के उसको आप घुमाते जाइए, माउस के ऊपर में जो बटन रहता है तो आपको पता चल जाएगा, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए प्लस माइनस का ऑप्शन है, ये चार्ट को छोटा बड़ा करने का है। आप यहाँ पे लगा सकते हो क्लिक करके, फिर से आप मंथली लगा सकते हो चार्ट में, देखो ये मंथ का चार्ट आ गया, ये मंथ वाइज किस तरीके से चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप किसी और स्टॉक में लगा देता हूँ मैं आप लोगों को, तो उसको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मंथली चार्ट देखेंगे तो कितना शानदार तरीके से अपसाइड चल रहा है, ओके। आप यहाँ पे आप डेली चार्ट देख सकते हो, डेली में लगा सकते हो, आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, ये 15 मिनट के चार्ट है, तो अपने हिसाब से आपको जो भी देखना है उस हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम हम 1 मिनट के चार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर 1 मिनट लगा दीजिए, अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है उस हिसाब से आप चार्ट यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा जीरोधा के लिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोर चार्ट भी लगाने के लिए बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखें डिस्प्ले में यहाँ पे फोर चार्ट है, मुझे एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना है तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि भाई कल के दिन पे रिलायंस इंडस्ट्री कैसा चलेगा, हाँ, तो मुझे उसको लगाना है, पहले रिलायंस लगा दूं मैं यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री, ये है रिलायंस इंडस्ट्री, फिर लगा देता हूँ मैं रिलायंस इंडस्ट्री, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं अभी उसके बारे में बता दूंगा आपको, रिलायंस इंडस्ट्री, फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिख दिया मैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, ओके। तो अब देखो आपको चार चार्ट दिखेगा, एक ही स्क्रीन में आपका चार चार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डेली देखता हूँ, ओके, कि डेली में किस तरीके से चल रहा है, फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आवरली में, ठीक है। आवरली में किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर मुझे पता चल गया आवरली में बिल्कुल ये साइडवेज चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 15 मिनट का, 15 मिनट में कैसे चल रहा है ऐसे देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 5 मिनट का या 3 मिनट का, जो भी आपको पसंद है आप इसको
ऐसे देख सकते हैं। तो अब इसमें जैसे कि आपको बड़े टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट छोटे टाइम फ्रेम से शुरू होती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कैसे करो दोस्तों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आवरली चार्ट में जाओ, आपको सबसे पहले कैसे पता चला आवरली चार्ट में देखे तो कि भाई ये स्टॉक साइडवेज है। क्या है? साइडवेज है। तो साइडवेज के लिए क्या करते हैं, हम पहले रिक्टेंगल लगा देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करो, लेफ्ट क्लिक करो और आगे तक छोड़ दो। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके ऊपर प्राइस क्या है आप देख लो, यहाँ पे 1440 का इसका प्राइस है। अब इसके ऊपर भी आप लगा दो इसी तरीके से चार्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा आपका ये ब्रेकआउट पता चल जाएगा कि भाई इसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर लो बिल्कुल उसी प्राइस के ऊपर, ए है इस प्राइस के ऊपर। तो आपको जब यहाँ से ब्रेकआउट होते रहेगा तो पता चल जाएगा, यहाँ भी आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको पता यहाँ से चलेगा, कंफर्म यहाँ से हो जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से आपको दिखने में पता चलेगा। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ भी लगा सकते हो। ये 15 मिनट की चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा। आपका ट्रेडिंग स्टाइल को ना बिल्कुल बदल के रख देगा आज का वीडियो आप लोगों के लिए, बहुत मजेदार। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था ऐसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। तो मैंने आज टाइम था मेरे पास तो मैंने कोशिश किया। देखो जब इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों तो ऑलरेडी ये इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ब्रेकआउट इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस क्या है भाई, इसका प्राइस आप देखें यहाँ पे, जैसे कभी कभी ये कर्सर नहीं आता है, जैसे दोनों साइड लाइन दिखाई दे रहा है, नहीं आता है, तो ये प्लस के चिन्ह को आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास दोनों साइड में कर्सर आने लगेगा। ये है 1470 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्रेकआउट का लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके रख दे रहे हो भाई, कि जिस दिन इसके ऊपर निकलेगा भाई साहब को हम बाइंग करके जाएंगे, ओके। तो ऐसे आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो। यहाँ से ऊपर निकलेगा स्टॉक तो यहाँ का रेजिस्टेंस बनाएगा, मतलब ये वाला लाइन आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मतलब ये 1500 का रेजिस्टेंस मिलेगा अगर ये 1470 के ऊपर जाता है तो। तो देखो कितने सारी चीज़ें आप यहाँ पे हम समझ गए। अब दोस्तों जैसे कि आपको अलग अलग स्टॉक लगाना है तो आप यहाँ पर फ्लोर चार्ट लगा दो, अलग अलग स्टॉक लिख दो। यहाँ पे मुझे एसबीआई को लिखना है तो एसबीआई का एनएससी में SBIN के नाम से आता है, ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मुझे इंडिगो लगाना है, हाँ चलो इंडिगो आ जाओ भाई साहब, इंडिगो आ गया, ओके। अब आपको यहाँ पे लगाना है, मान लो कि लगाना है मुझे टाइटन, तो मैं यहाँ पे टाइटन लगा दिया। अब मैं इसको क्लिक कर दिया, ये देखो मल्टीपल चार्ट आप देख सकते हो। अब कई स्टॉक में आप यहाँ पे निगाह रख सकते हो, ठीक है। चारों स्टॉक में आपका वॉच लिस्ट में चार स्टॉक है, चारों स्टॉक में आप नजर रखे हुए हो। इंडिगो में जैसे देख रहे हो दोस्तों कि 15 मिनट के चार्ट है, ठीक है। आप इसको बदल लो अपने हिसाब से, जो चार्ट भी देखना चाहो आप उस चार्ट में देखते रहो, आवरली लगा दो, मंथली लगा दो, जो आपकी मर्जी है उस हिसाब से लगा के आराम से बैठ के देखते रहो, ठीक है। बहुत काम का वीडियो है आपके लिए, तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी पसंद आती होगी और मेरी एनालिसिस भी पसंद आती होगी, हमारी वीडियो भी पसंद आती होगी। तो इस तरीके से समझ गए हम लोग यहाँ पे चार्ट में क्या क्या हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो। अब मैं आपको अपस्टॉक में भी बता देता हूँ, कई सारे दोस्त मेरे अपस्टॉक में भी हैं, उन लोग भी हमारे अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जीरोधा का, उसके थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए हमारे लिंक के थ्रू और आईडी हमें सेंड कर दीजिए। मैं आप लोगों को अपने पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। हमारे पास अपस्टॉक का भी लिंक है, कई दोस्तों के पास जीरोधा में ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो उनको लिए मैंने कोशिश की है अपस्टॉक से भी, तो आप अपस्टॉक का भी मुझसे लिंक ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मैं आप लोगों को वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये चार्ट है हमारे पास अपस्टॉक का, ठीक है। ये किसका चार्ट है, अपस्टॉक का चार्ट है। देखिए अपस्टॉक जब यहाँ पे ओपन होता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये अपस्टॉक का चार्ट है और आप यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों के लिए बता दूं दोस्तों कि आप यहाँ भी जैसे आप यहाँ पे 3 ठो कैंडल टाइप का दिखाई दे रहा है, आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे कैंडल लगा सकते हैं, ठीक
ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल है। पहले मैं आपको नॉर्मल कैंडल से बता देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल आप लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अलग अलग कैंडल है, बार कैंडल लगा सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे हेकेनेसी कैंडल लगा सकते हैं ट्रेंड देखने के लिए। मैं इसमें अक्सर हेकेनेसी कैंडल लगा के रख देता हूँ अप स्टॉक में, तो मुझे उसमें ट्रेंड पता चलता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा 50 EMA का मूविंग एवरेज है, 50 SMA है ये, तो आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। MACD आ जाएगा, RSI आ जाएगा, सब सिंपल है। तो जैसे आप यहाँ पे मूविंग एवरेज ले गए, तो आपको कौन सा लगाना है मूविंग एवरेज, जैसे आपको हमारे पास ऑलरेडी 50 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे बदल दो, भाई मुझे यहाँ पे 200 का लगाना है, 200 लगा दो। क्लोज तो बाई डिफॉल्ट रहता ही है। सिंपल लगाना है कि एक्सपोनेंशियल लगाना है, मान लो मुझे एक्सपोनेंशियल लगाना है, ऑफसेट 0 ही रहता है। कलर आप चेंज कर सकते हो, कलर क्या चेंज कर सकते हो, मैं ग्रीन रखता हूँ अक्सर, तो आप ग्रीन रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 200 EMA आ गया हमारा ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन क्या है कि मैं उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए 200 EMA को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं उसको ग्रीन रखता हूँ। ये मेरा अपना पसंद है, आप अपने पसंद से लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इसको हम बड़ा चार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा है दिखाई दे रहा है, आप इसको बड़ा कर सकते हो, ओके। ये देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको दो एरो दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे, मतलब आपके चार्ट को बड़ा करने का साइन। इसके ऊपर कर्सर क्लिक कीजिए, आपका चार्ट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टॉक अलग अलग लाना पड़ेगा। जैसे मुझे लाना है, मान लो कि रिलायंस लाना है भाई, हाँ मैं यहाँ पे रिलायंस ले आओ, ओके। ये रिलायंस का चार्ट लोड हो रहा है, ये लोड हो गया, ओके। जैसे रिलायंस यहाँ पे 200 EMA को सपोर्ट लेके वापस जा रहा है, ओके। और ये चार्ट अभी क्या है, ये चार्ट हेकेनेसी चार्ट है, तो इस चार्ट को आप नॉर्मल चार्ट कर लो, ये आप नॉर्मल चार्ट कर लिए, बराबर है। तो अब ये नॉर्मल चार्ट के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, ओके। अब जैसे मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ओके, तो यहाँ पे राइट साइड में दोस्तों आपके पास एक यहाँ पे जिग जैग टाइप का ट्रेंड लाइन ये चार्ट दिख रहा है। इसके ऊपर कर्सर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसको पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये आपके पास कर्सर में आ गया। अब इसको क्या करो, जैसे मैंने जीरोधा के चार्ट में बताया, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, जहां से लेके आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, उसके ऊपर कर्सर को क्लिक कीजिए और धीरे धीरे कर्सर को लेके आइए, बड़े आराम से। बहुत बेहतरीन फीचर है इसका भी, मजा आ जाता है चार्ट ड्रा करने में। ये आप यहाँ पे ले आके छोड़ दीजिए, इसके ऊपर जिस दिन निकला वो आपका ब्रेकआउट हो गया, ओके। और आप लोअर लेवल से भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ से एक चार्ट ड्रा करना है यहाँ तक, तो इसको लेके जाओ, जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाओ। ये इसका ऊपर में सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये सपोर्ट लिया नहीं, ऑलरेडी इसका बड़ा सपोर्ट लोअर साइड में है, इसलिए कभी कभी छोटा सपोर्ट को तोड़ के वो बड़ा सपोर्ट के पास आ जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। फिर जैसे मान लो इसको आपको डिलीट करना है, तो इसके ऊपर कर्सर रखो, जैसे दोनों साइड में जहां से छोड़े हैं आप और जहां से शुरू किए थे, वहां पर आप लोगों को दो डॉट दिखाई देगा, उसके ऊपर आप कर्सर को रखिए, राइट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक को डिलीट हो जाएगा, बराबर है। अब आपको यहाँ पे जैसे मान लो रिक्टेंगल बनाना है, तो रिक्टेंगल का ऑप्शन है, कर्सर को इसके ऊपर लाइए और आप रिक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मुझे मान लो दोस्तों कि इस लेवल में रिक्टेंगल बनाना है, कौन से लेवल में, यहाँ पे मुझे रिक्टेंगल बनाना है, तो जहां से रिक्टेंगल बनाना है वहां पे आप एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर उसको आप धीरे धीरे करके ऊपर या नीचे ले जाइए और वहां पे छोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा रिक्टेंगल। अप स्टॉक में भी कितना सिंपल सा तरीका है, इसको भी देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा रिक्टेंगल हो गया, मान लो इसको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज ये बाई डिफॉल्ट आपका शेव रहेगा। आप उसी तरीके से यहाँ भी आपका ए है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर का पसंद है आप ये कलर चेंज कर सकते हैं, अपने पसंद का जो भी कलर रखना है वो आप कलर रख सकते हैं यहाँ पे, बराबर है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और बहुत बढ़िया है, आप आपका टेक्स का भी ऑप्शन है। जैसे मुझे मान लो कि इस स्टॉक में मुझे टेक्स लिख के रखना है, क्या लिखना है, इसके अपर साइड में मान लो भाई कि 1300 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करूंगा मैं, ओके, और 1240 के नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखो, 1300 के ऊपर मुझे बाइंग करना है, 1300 एबव बाय, यहाँ पर बाई कर लो, ठीक है, यहाँ पर आप इसको शेप कर दो। अब उसी तरीके से यहां भी कर लो भाई, कि अगर ये 1240 के नीचे ब्रेक करता है बिलो सेल करना है, तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या एनालिसिस पिछले टाइम करके इस पे रखा हुआ है, ओके। तो
तो कितना सिंपल सा तरीका है, आपको पसंद नहीं है इसके ऊपर जाओ, कर्सर क्लिक कर दो, राइट क्लिक, खत्म। दूसरा तरीका यहाँ पर और भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे देखो ये है ऑप्शन, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्लियर ड्राइंग टूल, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, देखो ये देखो क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ से आप चार्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो भाई, ठीक है। जीरोधा में क्या दिया, यहीं पे दिया है, और ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, जहाँ पे मोर ऑप्शन दिया है यहाँ पे दिया हुआ है, ओके भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप क्लिक कर लीजिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए क्या करना है, पहले इसमें देखना ही जरूरी होता है कि स्टॉक चला कहाँ से है, स्टॉक चला कहाँ से, जैसे ये कहाँ से चला है, टॉप से चला है, 1600 के लेवल से नीचे गिरा, तो इसकी जो उछाल है वो कहाँ तक उछलना चाहिए सबसे पहले, ये देखो ये देखो, यहाँ पर आपका लोअर लेवल में आके सटा दो आप, मतलब वहाँ पर क्लिक कर दो, देखो 38% तक तो मिनिमम उछाल होना चाहिए, 38% तक उछला, इसके बाद नीचे आया हुआ है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की थोड़ी सी फार्मूला है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने चार्ट पे, और उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारा अप स्टॉक में, मुझे लगता है इसमें और भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को चाहिए कुछ चीज़ें और, तो उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।